और खबर अब नवादा से है। नवादा दलित बस्ती अग्निकांड में नंदू पासवान, जमुना चौहान और आशीष यादव समेत 28 आरोपी पर एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर में यह कहा गया है कि हमलावर हथियार और पेट्रोल लेकर के आए थे और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की और घटना में 35 लोगों का घर सामान समेत सब जल गया। मामले में 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पूरी रिपोर्ट में आप देखिए। आया तो गोली छोड़ दिया, गोली छोड़ के आग लगा दिया। अपने दूध बुए बच्चे के साथ चले हुए घर के बाहर बैठी ये है कारी देवी। दो दिन बाद बेटे का छठियार था। कर्ज लेकर धूमधाम से बच्चे का छठियार करना चाहती थी, लेकिन दबंगों की तरफ से लगाई गई आग में सब कुछ स्वाहा हो गया। तस्वीरें नवादा के कृष्णानगर दलित बस्ती की हैं। बुधवार की शाम दबंगों ने पेट्रोल छिड़ककर पूरी बस्ती में आग लगा दी। देखते ही देखते सामान समेत 35 घर खाक में बदल गए। बच गए तो कारी देवी जैसे परेशान लोग। नहीं भागेंगे सरकार, मर तो मर जाएंगे मगर भागे नहीं जमीन से, नहीं भागेंगे, जान तो जाना चल जाओ मगर जमीन से भागेंगे नहीं। अब पूरी कहानी समझ लीजिए। बुधवार की रात जमीन पर कब्जे के लिए नंदू पासवान और उसके साथ आए करीब 60 से 70 की संख्या में लोग महादलित बस्ती पहुंच गए। दबंगों ने इस दलित बस्ती पर हमला किया, गांव में आग लगा दी। देखते ही देखते हर तरफ दहशत का माहौल हो गया। घटना के तुरंत बाद सरकार और सिस्टम ने काम करना शुरू किया और मुख्य आरोपी नंदू पासवान समेत 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से 3 देसी कट्टा और खोखा बरामद कर लिए गए। यहां तक कि फॉरेंसिक की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और मौके से सबूतों को जमा किया। यहां पे देख सकते हैं कि एसएसएल के जो वैज्ञानिक हैं, वो यहां पहुंचे हैं और अब यहां पे एग्जिट जो है उसका संकलन ये किया जा रहा है। इनके द्वारा जो एग्जिट है उसे यहां से संग्रहित की जा रही है और फिर इसकी जो जाँच है वो लैब में की जाएगी। नवादा की घटना को लेकर सीएम नीतीश ने लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की। राज्य के बड़े अधिकारियों को हालात पर निगरानी का निर्देश दिया और साफ कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इसी बात को दोहराया। वहाँ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जा चुके हैं, कार्रवाई तुरंत शीघ्र की जाएगी और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। जो दबंग लोग हैं उसको छोड़ा नहीं जाएगा। नवादा की घटना ने बिहार के राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। जमकर सियासत हो रही है, लेकिन फिलहाल आप पूरी घटना को जान लीजिए। कृष्णानगर में 2015 से सरकारी जमीन पर झोपड़ी नुमा घर बनाकर 60 परिवार रह रहे हैं। जमीन को लेकर नंदू पासवान से विवाद चल रहा था। मुंशी कोर्ट नवादा में यह मामला फिलहाल लंबित है। 18 सितंबर की शाम जमीन पर कब्जे की नियत से नंदू पासवान के साथ हथियारों से लैस 60 से 70 की संख्या में लोग पहुंचे, गोलियां चलाएं, जिससे बस्ती में भगदड़ मच गई। गांव के लोग जान बचाकर भागने लगे तो दबंगों ने पेट्रोल छिड़ककर पूरी बस्ती में आग लगा दी और घरों में तोड़फोड़ की। न्यूज 18 के लिए नवादा से अमित कुमार और अनिल विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नवादा अग्निकांड के बाद जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव के बीच अजीब तरह की जातिगत बयानबाजी शुरू हो गई है। आप भी सुनिए। आजकल के जो यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में एकाध दुगो दुसार जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया। नवादा अग्निकांड में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने यादव जाति के लोगों की भूमिका क्या बताई? बिहार में जात बताने वाली एक दूसरे तरह की सियासी बयानबाजी ही चल पड़ी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी को जीतन राम शर्मा कह दिया। जीतन राम मांझी जी का नाम मांझी जी है, लेकिन लोग तो इनको प्यार से जीतन राम शर्मा बुलाते हैं, जीतन राम शर्मा। तेजस्वी यादव ने मांझी को जीतन शर्मा कहा तो मांझी ने उसी भाषा में जवाब देते हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को लालू पाल कह दिया। मांझी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, विपक्षी दलों के गुंडे हमारे घर और दरवाजों को तोड़ सकते पर हमारे लोगों का हौसला नहीं तोड़ सकते।
घर जलाने वाले लोगों के संरक्षक लालूपाल गरेड़ी जी, आप राजनीति के लिए अपनी जाति छुपा सकते हैं, पर हम नहीं। हम गर्व से कहते हैं हम मुसहर हैं। लालू जी में हिम्मत है तो वो भी कहकर दिखाएं कि हम गरेड़ी हैं। लालू जी, पूरे बिहार में दलितों के जमीन पर और मुसलमानों के कब्रिस्तानों पर किस पार्टी के समर्थकों का कब्जा रहा है, यह सबको पता है। आपके और आपके लोगों ने बहुत दबा लिया हम लोगों को, अब करारा जवाब मिलेगा। बात शुरू हुई थी नवादा अग्निकांड के पीड़ितों को मरहम लगाने से और दोषियों को सजा दिलाने से, लेकिन अब ये जाति बताने वाली सियासत कहां तक जाती है, देखते जाइए। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।